बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी। सुबह को तो हम स्कूल चले जाते हैं, हमारा 7:15 का स्कूल रहता है। स्कूल छोड़ने के बाद मेरी मम्मी वॉक पर भी जाती हैं, तब वो एक आध वीडियोज़ शूट कर लेती हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये सारी वीडियोज़ शेयर करूँ। उल्वे में एक्चुअली बहुत ही स्पेशल चाय मिलती है, ये गुड़ की चाय यहाँ पे मिलती है। सो फ्रेंड्स, घर वापस जाने से पहले हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ले लेंगे, और वैसे भी सुबह सुबह वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे माउंटेन्स हैं और यहाँ की सीनरी बहुत ही प्यारी है। उल्वे वाकई बहुत ही प्यारी जगह है, सुबह के टाइम तो ये और भी प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से सनराइज बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली आगे तक बहुत माउंटेन्स थे, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम में सारे माउंटेन्स यहाँ से हटा दिए गए हैं और बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। वे एक्चुअली अभी न्यूली बना है, मतलब यहाँ पे ये बिल्डिंग्स वगैरह पहले बिल्कुल भी नहीं थी, ये पूरे माउंटेन्स थे और ये पूरा समंदर से ढका हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी डस्ट भी रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ का मतलब जो नेचर है बहुत ही प्यारा है। ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटो स्टैंड है,
यहाँ पे कुछ टावर्स तो बहुत ही प्यारे है, बाहर से तो उनके जो गेट्स वगैरह है वो बहुत ही प्यारे तरीके से सजाए गए हैं। यहाँ पे सुबह सुबह कई लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए, कुछ अपने पेट्स लेकर आते हैं वॉक पे ले जाने के लिए अपने पेट्स को, डॉग्स वगैरह को। इस तरह की जगहों पर सुबह सुबह वॉक करने में बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ का नेचर भी बहुत ही काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी पीसफुल यहाँ का नेचर है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वो रेलवे स्टेशन है, और मैं आपको इसे जूम करके भी दिखाती हूँ। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बसेस, कई व्हीकल्स और लोग काम पर भी जाते हैं, इसीलिए 7 बजे के बाद ही यहाँ के रोड्स और स्ट्रीट्स वगैरह एकदम बिजी हो जाते हैं।
अभी तो ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, लाइक ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए वॉकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम सुबह के 7 बजे है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चाय की दूसरी शॉप है एंड यहाँ पे भी बहुत ही स्पेशल चाय मिलती है। फ्रेंड्स हम घर पर रिटर्न आ गए हैं एंड अभी तो फ़िलहाल घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी है। उन्होंने फिशेस को खाना दिया और वैसे तो यहाँ पे काफ़ी फिशेस थी लेकिन जब हम गांव गए थे तो तब सारी फिशेस मर गई थी। अलग अलग तरह की गोल्ड फिशेस थी और कई वैरायटीज की कलरफुल फिशेस थी लेकिन सब जब हम गांव गए थे मर चुकी थी। अभी सिर्फ ये 2 शार्क बची हैं एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे रोज़ कई तरह के फ्लावर्स हैं, कलरफुल रोज़ेस हैं और मनी प्लांट भी है। तो फ्रेंड्स अभी तो मम्मी ने प्लांट्स को वाटर कर दिया है। एंड फ्रेंड्स जब हम गांव गए थे तो हमारे पास 3 लव बर्ड्स थी, उनमें से एक येलो कलर की भी थी लेकिन जब हम गांव गए थे तब वो भी मर गई।
तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा व्लॉग एंड होता है। आई होप कि आपको हमारा ये मॉर्निंग वॉक का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोज़, व्लॉग्स और टूर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।